ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है कैपकट ऐप पे। एंड जी हाँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऑन द कैपकट ऐप और मेरे को ये बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि हम इतना ज़्यादा केपेबल ऐप जो है वो मिस आउट कर रहे थे बहुत टाइम से। लाइक लाइट मोशन, नोट वीडियो और एवोएटर हमारे इतने दिमाग पे कंट्रोल कर लिखा था कि हमने कैपकट को इग्नोर कर दिया। मेरे को अभी तक ये लगता था कि कैपकट यूज़ होता है इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक रील्स बनाने के लिए, लेकिन नहीं। जब मैंने इस ऐप को खुद ट्राई किया इस वीक, ये सारे वीक मैंने इस ऐप को बिल्कुल अच्छे से ट्राई किया, तो मेरे को पता लगा कि ये कितना ईजी टू यूज़ है, कितना एडवांस्ड है एंड कितना ऑप्टिमाइज्ड है। लाइक प्रीव्यू, जैसे आप लाइट मोशन में प्रीव्यू देखने के लिए मर जाते हो, लेकिन कैप कट में आपको स्मूथ AF प्रीव्यू मिलने वाला है। एंड आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो कैप कट पे एंड हाउ यू कैन एडिट अ वेरी कूल वेलोसिटी मॉन्टाज जैसे आपने प्रीव्यू में देखा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, हियर वी आर इन कैप कट एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको कैप कट यूज करने के लिए VPN यूज करना पड़ेगा, आई डोंट नो व्हाई। एंड जी हाँ, यहाँ पे साबित होता है कि VPN जो है वो कॉर्न देखने के अलावा और भी किसी काम में यूज आ सकता है। एंड सिंपली आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट में एंड यहाँ पे आपने अपनी क्लिप लेनी है। तो दिस क्लिप इज ऑलरेडी टाइमली मैप, मतलब इसे वेलोसिटी एडिट ऑलरेडी हो रखी है। अगर आपको नहीं पता कि आप वेलोसिटी एडिट कैसे कर सकते हो अपने एंड्रॉइड में, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। कैपकट में भी वेलोसिटी एडिट हो सकता है, लेकिन कैपकट में स्लो मोशन नहीं होता। सो यू कैन यूज वस्को और स्मूथ एक्शन कैम स्लो मो फॉर दी एक्सटर्नल स्लो मोशन। इसमें आगे आप टाइम लिमिट आप कर सकते हो। तो मैंने इसकी आवाज़ कम कर दी है एंड यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल प्लेन ब्लैंड वीडियो है। इस पर हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स, कलर करेक्शन सब कुछ ऐड करेंगे कैप कट में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप इस इंटरफेस पे क्या है। तो सबसे पहले आपके पास है आपकी वीडियो क्लिप, लाइट मोशन से बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली है, ठीक है। जब तक आपने वीडियो क्लिप पे क्लिक नहीं कर दी, आपको वीडियो के इफेक्ट्स और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू गो टू योर वीडियो एंड यू हैव टू स्वाइप थ्रू एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेनी है, मतलब अपनी ऑडियो क्लिप अलग से निकल जाएगी बिकॉज वी हैव टू मार्क द बीट्स। सेकेंड स्टेप इज टू मार्क द बीट्स। अब आपने अपने ऑडियो पे क्लिक करना है जो कि हमने अभी एक्सट्रैक्ट की है। आपने वहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपने जाना है मैच कट में। एंड यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्ट फीचर इन्होंने दे रखा है, वो है ऑटो जनरेट का, ठीक है। जैसे आप इसको ऑन करोगे ये लेगा लोड एंड आपकी जितनी भी बीट्स होगी इस पे ये मार्क लगा देगा। मैंने कम से कम 10 गाने यूज़ करे हैं एंड जितनी भी मैंने ऑटो जनरेट करी हैं बीट्स, माय गॉड, ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक यहाँ पे लाता है। अब यार अगर मैं थोड़ी सी आवाज़ करके आपको सुनाऊँगा इस बीट को, तो आप मार्कर्स पे ध्यान देना एंड देन आप जो है बीट पे ध्यान देना। तो ये स्मार्ट बीट मार्कर है जो कि कैपकट ने ऑटोमेटिकली ही अपनी बीट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया है। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये फीचर, ठीक है। इसके बाद आपने जो है अपनी क्लिप को बीट के हिसाब से कट कर लेना है। बेसिकली आपको यहाँ पे बीट वाले पॉइंटर जो है बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, लाइक बहुत छोटे छोटे येलो कलर के। ये बात मेरे को थोड़ी ख़राब लगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ भी है। तो यहाँ पे मैं अपने क्लिप को जो है स्प्लिट कर देता हूँ। पहली बीट ये रही, क्लिक ऑन द क्लिप, स्प्लिट, ईजी एज दैट। सेकेंड बीट पे जाओ, स्प्लिट, एंड ऐसे करके आप पूरी क्लिप को अपनी स्प्लिट कर लो। ओके, सो मैंने अपनी सारी क्लिप को यहाँ पे स्प्लिट कर लिया है अकॉर्डिंग टू अवर बीट, ठीक है। एंड सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे अपने पहले पे आ जाना है, पहले क्लिप पे, एंड यहाँ पे आपने जाना है एनिमेशन में। एनिमेशन इज बेसिकली इन आउट एंड कॉम्बो एनिमेशन। तो ये वाला मेरा मतलब यहाँ पे कॉम्बो एनिमेशन में अगर आप जाओगे तो आपको सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे एंड कैपकट इज बेसिकली प्रीसेट्स। और ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जूम इन वाला लेके आऊँगा फीचर। प्रीसेट जो है वो आएगा जूम वन है, तो मैं आवाज़ म्यूट कर लेता हूँ। जूम वन है आएगा, तो मैं इसको प्ले करूँगा। तो ठीक है, ये बहुत बढ़िया, ठीक है, आप देख सकते हो ये ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मतलब सेंटर पे क्लिक करोगे, दिस इज बेसिकली काइन मास्टर वाली ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे आप अगर इस चीज़ पे क्लिक करोगे अपने सेंटर वाले स्प्लिट बीच में जो बॉक्स बनता है, आपकी ट्रांजिशंस आ जाएंगी। यहाँ पे आप जाओगे कैमरा में एंड कैमरा में जाके आपको बेसिकली सारी मॉन्टाजेस वाली ट्रांजिशन मिल जाएंगी, जैसे पुल इन, पुल आउट, पुलाना, डिम करना, सौ चीज़ें होती हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा इफेक्ट बना रहा हूँ लाइक, ओके, एंड यू कैन चेक आउट, पुल आउट भी है, घूम ऐसे गोल घुमा भी सकते हैं, ऐसे एंटी भी घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट स्टफ लाइक दैट। तो मैं मे बी यहाँ पे पुल इन कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
जी हाँ, पुलिन बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ सेकेंड क्लिप पे आते हैं। ध्यान रखिए कि आपने यहाँ पे पुलिन किया है, तो यहाँ पे आपने सिंक करना है अपनी एनिमेशन को। तो हम जाने एनिमेशन में, आपने जाना कॉम्बो में, एंड आई विल यूज़ द वेव एंड स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, वेव एंड स्लाइड, यू कैन सेलेक्ट एनलार्ज, श्रिंक, डिस्टॉर्ट, स्ट्रेच। माई बेसिकली माई फेवरेट इज डिस्टॉर्ट एंड स्ट्रेच। डिस्टॉर्ट एंड स्ट्रेच आप देख सकते हो कि आपको कुछ ऐसा इफेक्ट मिलने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यार। मतलब स्मूथ, मतलब एक स्मूथ मॉन्टाज बनाने के लिए सिर्फ आपको कुछ प्रीसेट्स लगाने हैं एंड इट्स डन, लाइक इट्स दैट ईजी, ठीक है। ऐसे करके मैं थर्ड क्लिप में आऊँगा, एनिमेशन में जाऊँगा, कॉम्बो में जाऊँगा, एंड मैं यहाँ पे पेंडुलम वाली एनिमेशन को भी यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे पेंडुलम वन यूज़ किया, यहाँ पे मैं जो है वो पेंडुलम टू यूज़ करूँगा। तो ये आ गया पेंडुलम टू, ठीक है, तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये आ गया पेंडुलम टू। देख सकते हो कितना बढ़िया सिंक बन गया विद जस्ट अ कपल ऑफ क्लिक्स। आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे करना भी नहीं पड़ा। एंड द थिंग इज प्रीव्यू बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, लाइक सुपर स्मूथ है। आप अगर प्ले करोगे तो रियल टाइम प्रीव्यू मिल रहा है आपको, और क्या ही चाहिए भैया जी। लाइक आफ्टर इफेक्ट्स में भी रियल टाइम प्रीव्यू नहीं मिलता, लेकिन कैप कट में इतने हैवी इफेक्ट्स के साथ भी वी गॉट रियल टाइम प्रीव्यू। तो नाउ मैं यहाँ पे और भी देखता हूँ, जूम इन जूम आउट भी है, जूम वन वेन, ओके वी हैव बाउंस इस वेन, सो स्वेन इज गुड लुकिंग, नहीं स्वेन अच्छा लग रहा है। लास्ट मैंने पेंडुलम डाला था, सो वी कैन यूज दी स्ट्रेच एंड डिस्टॉर्ट, या दिस वन इज लुकिंग गुड। अभी ये छोटी क्लिप है, यहाँ पे हम जो है वो फिर से क्लिक करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, कॉम्बो में जाएंगे, एंड हम स्वाइप करेंगे। लाइक अनलिमिटेड इफेक्ट्स हैं, जितने मर्जी आप कर लो यहाँ पे यूज़। बेसिकली इट्स ऑन यू कि आप इसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हो और ज़्यादा। तो ये तो अजीब है, दिस इज नॉट गुड, व्हाट इज दिस, यो यो, ओके। तो यहाँ पे मैं एक इफेक्ट बनाऊंगा जो कि ये स्विंगिंग टॉप है। सो सेकंड वाले पे जो इसके बाद वाली क्लिप होगी उस पे मैं ये सेम इफेक्ट डालूंगा लेकिन ऑपोजिट में, तो ये ऐसा लगेगा, वो दिस इज सुपर कूल। इसके बाद दोबारा जाएंगे स्ट्रेच श्रिंक, सॉरी डिस्टॉर्ट एंड स्ट्रेच, एंड स्ट्रेच एंड डिस्टॉर्ट, ये अलग अलग है दोनों, इनमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। एंड ऐसे करके आप अपनी सारी क्लिप्स पे इफेक्ट डालो, एंड जितना भी हो सके उतना आप इसको सिंक करने की कोशिश करो। तो मैंने यहाँ पे सारे एनिमेशन लगा लिए हैं, अगर इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हो कुछ हमारे पास ऐसा इफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही ज़्यादा सिंक में बन रहा है हमारा मॉन्टाज। ये वैलोरेंट में बनाया है, आप पबजी में बना सकते हो, फोर्टनाइट में बना सकते हो, क्लैश ऑफ क्लैंस में बना सकते हो, समर टाइम्स आगे भी बड़े आराम से बन जाएगा, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। उसके बाद नाउ इट्स बारी ऑफ इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको एक इफेक्ट्स पैनल मिलेगा विच इज़ बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर्स, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ये नेगेटिव एस्ट्रोब लगाऊंगा, which will be our first beat वाली होगी, जो यहाँ पे first beat हमारी drop हो रही है। तो यहाँ पे I will add the negative strobe to the end, like जहाँ पे हमारी beat clip जो है वो खत्म हो रही है। तो ये इस पे मैं adjust करके इसकी speed को बढ़ा दूँगा, filter को बढ़ा दूँगा, and now you see वो this is like, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने effect में गया, effect click किया, and मेरे को एक इतना ज़्यादा intensify वाला effect मिल गया। कैन यू इमेजिन दैट, लाइक कैन यू इमेजिन कि कैप कट इतना बढ़िया था, मैं इसको मिस आउट क्यों कर रहा था इतने टाइम से। एंड नेक्स्ट हम डालेंगे स्ट्रोब इफेक्ट, विच इज़ बेसिकली मेरे हिसाब से यहीं पे होता है नीचे जाके, आई गेस, नहीं यहाँ पे नहीं है, पार्टी में होगा, तो यहाँ पे तो होना ही चाहिए स्ट्रोब इफेक्ट, या ठीक है स्ट्रोब इफेक्ट। तो यहाँ पे ये मैं इंटायर वीडियो में डाल दूंगा, विच इज बेसिकली फ्लिकर इफेक्ट, जो कि अच्छा लगता है, लाइक इट्स लुकिंग, इट्स लुक गुड, लाइक हमारे या ऐसे ऐसे फ्लिकर होती रहेगी, बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी ग्लो डालेंगे हम, विच विल बी आवर नॉस्टैल्जिक लाइट। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स में देखा है लोग यूज़ करते हैं, एंड एक जो स्पेशल रीज़न है इसको यूज़ करने का, दैट इज़ कि ये एक काफ़ी ज़्यादा हेलो लुक हेलो लुक देता है आपके एडिट में। हेलो लुक से मेरा मतलब है काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, एस्थेटिक बना देता है उसको, या फिर आप जो भी कहना चाहो। एंड ये आई गेस मेरे को लगता है रेट्रो में होना चाहिए, सो नॉस्टैल्जिक लाइट इज बेसिकली ग्लो। अगर मैं इसको एडजस्ट करूंगा, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, आगे चलते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज बेसिकली ग्लो, एंड आप फिल्टर को बढ़ा दो, रेंज को बढ़ा दो, एंड यू कैन सी वी गॉट रेंज इज बेसिकली द इंटेंसिटी, तो नाउ यू कैन सी वी गॉट दिस, ओके।
ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा ओवर हो गया है, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं एंड इसको एंटायर ड्यूरेशन पे हम लेके जाते हैं। ठीक है, अभी लाइक मैंने सिर्फ 3 इफेक्ट्स यूज़ करे हैं एंड यू कैन सी वी गॉट प्रीटी मच गुड रिजल्ट्स हियर। ठीक है, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों मतलब हज़ारों इफेक्ट्स हैं कैपकट में, तो अगर मैं इस वीडियो में इसको वो करने लग गया फिगर आउट तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन आप जाओ डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड करो, आप खुद एक्सप्लोर करो एंड यू विल बी ब्लोन अवे कि ये ऐप इतना केपेबल कैसे हो सकता है विद लाइक सुपर ऑप्टिमाइज्ड प्रीव्यू इज रियल टाइम। ठीक है, मैं इतना ही एडिट करूँगा, इतना एडिट करने के बाद यू कैन जस्ट, ये लास्ट वाला आता है कैप कट का ये वाटरमार्क, आई डोंट नो ये इसको कैसे हटाते हैं, इसको हटा तो ऑब्वियसली सकते ही होंगे हम, लाइक क्लिक ऑन इट और या आप सिंपली यहाँ से जो है इसको काइनमस में जाके कट कर लो। ठीक है, तो यू आप जाओ एक्सपोर्ट में एंड इट विल एक्सपोर्ट द वीडियो एंड इट विल एक्सपोर्ट इन 1080p 60fps एंड इट कैन गो अप टू 4K, लेकिन आई डोंट नो 4K में कोई एक्सपोर्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ से आप सीधा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर टिकटॉक पे कर सकते हो शेयर, बट टिकटॉक इज बैंड, सो अनलेस और अनटिल यू आर आउट ऑफ इंडिया आप टिकटॉक पे शेयर कर सकते हो। सो दिस वॉज माई फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑन कैपकट एंड या दैट इज अ फॉर टुडेज वीडियो। सो कैपकट आप यूज कर सकते हो किसी भी वीडियो एडिट के लिए, बेसिकली वो चाहे मिनी व्लॉग हो या फिर वो मॉन्टाज हो या फिर वो हो कोई इंस्टाग्राम रील, इट इज अ ऑल राउंडर ऐप। एंड मेरे को नहीं पता यार, मैं इसको एक छपरी ऐप क्यों समझता था, बेसिकली दिस इज नॉट छपरी, दिस इज माइंड ब्लोइंग। आप जाके डाउनलोड करो, आप खुद देखो, अगर आप अब तक कैपकट नहीं यूज करते तो ये टाइम सही है यूज करने का कैपकट को, बिकॉज शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स आर द फ्यूचर। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आई एम लेट साइनिंग आउट।